दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मोटर वाइंडिंग करने वाले वाइंडरों की मोटरें बहुत ज़्यादा फूक जाती हैं, बहुत ज़्यादा जलती हैं, यानी कि उन्होंने नया वाइंडिंग करके दिया है। कंपनियां जब वाइंडिंग करके देती हैं तो 2 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन जब एक मिस्त्री वाइंडिंग करता है तो कहता है भैया, डरते डरते बोलता है कि 6 महीने ही इसकी वारंटी होगी, 6 महीने से ज़्यादा इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप अपने मोटर के अंदर जेन्युइन डाटा डालते हैं तो कंपनियां जो 2 साल की वारंटी देते हैं, आप चाहें तो 4 साल की वारंटी दे सकते हैं, लेकिन उसका डाटा जो नोट करने का जो तरीका होता है, उसके अंदर कौन सा डाटा आपको डालना है, कैसे आपको डालना है, तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है वो तरीका, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम यही जानेंगे कि हमारे पास कैसी ही मोटर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी अगर हम वाइंडिंग कर दें तो कंपनी 2 साल की गारंटी दे रही है और हम उसको 4 साल की दे सकें। वैसे दीजिएगा मत, साल भर की दीजिएगा। तो एक वाइंडर की मोटर वाइंडिंग करने के बाद में वो जल्दी से 6 महीने के भीतर ही क्यों फूक जाती है, क्यों आखिर वाइंडर को डर लगते हैं? तो दोस्तों इसका ये कारण है कि उसको मोटर की वाइंडिंग का जो डाटा है, डाटा वो परफेक्ट नहीं डालते हैं। यही गलती सबसे बड़ी होती है उनसे कि वह अपनी मोटर के अंदर जो डाटा डालते हैं, उन्होंने एक मोटर किसी का नोट कर लिया कि भैया एक फलाने कूलर का मोटर है और इसका हमें डाटा लिख लिया कि 100 टर्ने डलेंगे, 100 में उसके बाद लच्छा क्वाइल बना के फलाने फलाने तरह से डल जाएगा और उसी को वो सब में रेलते जाते हैं, ठीक है, सब में रेल दिया उसी को। सारी मोटरों का जो साइज होता है वो एक जैसा नहीं होता है, इसलिए वह मोटर किसी में सक्सेसफुल होता है वो डाटा और किसी में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर की वाइंडिंग जो कर रहे हैं उसका डाटा जो आप डाल रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, वह कभी ना फूके, तो दोस्तों आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक मोटर का डाटा किस तरह से नोट करना चाहिए और कौन सी मोटर के अंदर कितने नंबर की तार और कितने मतलब क्या क्या साइज होता है, क्या है उसका सही तरीका एग्जैक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो लाइक करने के योग्य ही है। तो दोस्तों बहुत सारे मिस्त्री जो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं, उसके अंदर वो लोग करते हैं कि जब भी वो किसी मोटर का डाटा नोट करते हैं, वाइंडिंग अगर जल के आ गई उनके पास तो उसका डाटा नोट करते हैं, तो क्या नोट करेंगे, उसकी स्लॉट देख लेंगे कितने स्लॉट की मोटर है और किस चीज़ में लगी हुई है, एग्जॉस्ट में लगी है कि कूलर की किट है या फराटे की मोटर है, किस चीज़ की है, तो वो इस चीज़ को नोट कर लेते हैं और उसकी पिच नोट कर लेंगे, उसके तार नंबर नोट कर लेंगे, उसकी टर्ने नोट कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी दोस्तों ये नहीं नोट करना नहीं होता है, ठीक है। अगर ये आप नोट करेंगे तो आप हमेशा आपकी मोटर बार बार फूकती रहेगी, यानी कि 100 में से केवल 10 मोटर ही आपकी चलेगी, बाकी सारी की सारी जल जाएंगी, फूक जाएंगी। तो आप लोग ये गलती मत किया करो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो आज मैं आपको वो सही तरीका बताने जा रहा हूं कि आपको सबसे जरूरी इसके अंदर मोटर में किसी भी मोटर का आपको डाटा अगर नोट कर रहे हैं जली हुई मोटर का, तो आपको कैसे नोट करना है कि दोबारा किसी मोटर में जब डालते हैं तो आपका उसके अंदर सेम जैसे उस मोटर में जो डलना चाहिए वही डाटा उसके अंदर डल पाए, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं, देखिए किसी भी मोटर का आपको ये चीज़ तो आपको नोट करना ही है, ये तो सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, कि पिच और तार नंबर टर्ने हैं, कॉयल की जो साइज है वो सब तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको मोटर का ये आउटर डाया, इनर डाया और कितने स्लॉट की मोटर है आपकी, स्टैम्पिंग का लेंथ कितना है, ठीक है, ये कितने कितने mm इसका आउटर डाया स्लॉट स्टैम्पिंग लेंथ कितनी कितनी है, ये आपको पता हुआ होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अपनी मोटर की वाइंडिंग बढ़िया से कर सकते हैं, तो आपकी मोटर के अंदर कभी कंप्लेंट नहीं आएगी, ठीक है। 1 साल की क्या, आप 4 साल की गारंटी भी दे देंगे तो भी आपकी मोटर फूकेगी नहीं, समझे ना। तो दोस्तों यही गलती लोग करते हैं कि ये चीज़ नोट नहीं करते हैं, इस जो आउटर डाया इनर डाया स्लॉट स्टैम्पिंग लेंथ नोट नहीं करेंगे जब भी उनकी मोटर फूक जाती है, क्योंकि सभी मोटरों का आउटर डाया इनर डाया अलग होता है, स्लॉट की जो स्टैम्पिंग होती है, स्लॉट तो हो सकता है सब में 24 हों, लेकिन जो स्टैम्पिंग की लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, तो ये सबका अलग अलग होता है। और एक गलती और भी करते हैं कि सब लोग इसको नापते हैं तो इंची के अंदर नापते हैं कि 1 इंची का है कि 1.5 इंची का है, कितने इंची का है, ठीक है, तो वो लोग 1 इंची 1.5 इंची का नापते हैं, जो कि आप देखेंगे ये 1.25 इंची आ रहा है, तो 1.25 इंची का क्या हिसाब है, ठीक है, 1.25 इंची कोई हिसाब नहीं बनता। तो इसको अगर आपको नापना है तो इसको भी आपको mm में नापना है, इसकी तरह से ये आपको mm में नापना है, तो इस तरह से आप नापेंगे तो 2 पॉइंट तक आ करके जो 2 तक आती है तो आपका ये मतलब 20 mm हो जाता है, तो उसके अगर आगे जा रही तो ये 22 mm की आपकी स्टैम्पिंग है, तो 22 mm की अगर कोई स्टैम्पिंग दूसरी आती है तो ये जो इस मोटर के अंदर डाटा निकलेगा वो आप 24 स्लॉट की एक स्टैम्पिंग है तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप जान लीजिए कि आखिर किसी भी मोटर का डाटा जो नोट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, कि जब दूसरी मोटर में हम डालें तो उसमें कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, 100% श्योरिटी हो आपकी, नहीं तो वाइंडर लोग तो अक्सर डरते ही रहते हैं कि आखिर हमारी मोटर के अंदर
कितने नंबर का हमें तार डालना है, पता नहीं ये मोटर हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी मोटर का आउटर डाया और इनर डाया नापना है। कैसे नापते हैं वो, जैसे कि आप ये स्टैम्पिंग देख रहे हैं, ये स्टैम्पिंग काटने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नापने में अगर मैं नहीं काटता तो ये नापने में सही से बनता नहीं, इसलिए मैंने इसको काट लिया है, और काटने के बाद हमारा ये पूरा अच्छे से बन जाएगा नापने में। तो बाहर की जो स्टैम्पिंग है, पूरा जो हिस्सा है बाहर वाला, ये हिस्सा आपको आउटर डाया होता है, अंदर का जो इनर डाया होता है वो अंदर का जहाँ ये रूटर लगता है आमने सामने से, ये इनर डाया होता है, ठीक है। तो इसको हम नापते हैं, देखते हैं कितना है, इसको नोट भी करेंगे साथ ही साथ। तो इसको आमने सामने से लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सुराख है आमने सामने का, ये बिल्कुल सिधाई में होता है, इसी के ऊपर से हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम दोस्तों लेंगे, देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है 100 यहाँ तक, तो ये 100, ये 126 mm, यानी कि 120 से लेकर के आधे पे आए ये 25, और उसके बाद में 30 नहीं जा करके 2 पॉइंट ऊपर गया है, तो ये 126 mm हो गया है। 126 mm ये हो गया है यहाँ तक, ठीक है। तो 126 mm है हमारा ये आउटर डाया, इसका तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 126 mm, 126 mm, ठीक है। और इसका इनर डाया नापते हैं दोस्तों, इनर डाया दोस्तों देखेंगे आप, ये 75 mm है, ठीक है, 75 mm है। आँख बंद करके आप इसको लिख दीजिए, 75 mm यहाँ पे इनर डाया, 75 mm, ठीक है। और उसके बाद इसकी स्लॉट गिनती कर लेनी है आपको। स्लॉट कैसे गिनती करना होता है देख सकते हैं आप, इसको एक कहीं पे भी अपना हाथ एक उंगली रख लीजिए, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ तक आगे 24, तो ये 24 स्लॉट की मोटर है। ठीक है, 24 स्लॉट। और उसके बाद में स्टैम्पिंग की लेंथ आपको नापनी है, स्टैम्पिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो स्टैम्पिंग की लेंथ हम यहाँ पे ऐसे उंगली लगा करके, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से हाथ रख के, और यहाँ पे फिर इधर से भी अपना नाखून लगा लेंगे, और यहाँ पे लगा के देखेंगे दोस्तों, ये हमारा 12 mm इसका आ रहा है, ये इसकी स्टैम्पिंग की लेंथ, यहाँ पर हम 12 mm लिख देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ अगर नोट हो गया, तो उसके बाद में ये जो टर्ने डलेंगी, तो इसी साइज़ की जितनी भी मोटर आती है आपके पास में, जिसका आउटर डाया 126 mm है, और इनर डाया उसका 75 mm है, और स्लॉट 24 है उसके, और स्टैम्पिंग लेंथ अगर 12 mm है, तो बाकी जो पिच जो निकलती है आप यही पिच डाल दीजिए, ठीक है। तार नंबर भी यही डाल सकते हैं, टर्ने भी यही डाल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ यही डाल सकते हैं। लेकिन 24 स्लॉट की आप कहेंगे कि कूलर की किट के अंदर मैं सब में यही डाल दूँ, तो सबकी जो साइज़ होती है, ये जो साइज़ होता है सबका, किसी का आधे इंची, आजकल तो आधे इंची की स्टैम्पिंग आती है 24 स्लॉट की, वो भी होती है, कूलर की किट वो भी होती है, हैं, फराटे की में भी वही लगती है, और वह कई होती हैं जो कि 1.5 इंची, यानी कि मतलब ज़्यादा लंबी होती है, इतनी मोटी होती है 1.5 इंची के आसपास, तो उसके अंदर भी वही लगती है। तो आप वही डेटा, अगर यही वाला डेटा डाल देंगे उसमें, तो आपकी निश्चित ही आपकी मोटर या तो स्पीड नहीं बनाएगी, या तो वह मोटर फूक जाएगी, वह जल जाएगी। तो चलिए इसको मैं बकायदा आपको बनाता हूं, अगर किसी को समझ में आ गया है तो वीडियो छोड़ के जा सकता है, नहीं तो जिसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है कि आखिर आगे हमें पिच वगैरह कैसे नोट करनी चाहिए, तो वह अभी आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको उसको सब कुछ बताऊंगा तसल्ली से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर अपने मोटर की आपको पिच और तार नंबर कैसे चेक करना होता है। देखिए, तार नंबर चेक करने के लिए आपको दुकान पे ले जाना पड़ जाता है, कि भाई अगर आपके पास हो सकता है माइक्रोमीटर ना हो, ठीक है, और उसके बाद आपको दुकान में ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, एक चीज़ और देखने वाली होती है, किसी भी मोटर को आप छोटी मोटर जब वाइंड करते हैं, बड़ी मोटर के अंदर तो आप फर्मे के ऊपर मतलब सिंगल सिंगल क्वाइलें लपेटी जाती हैं, लेकिन छोटी मोटर के अंदर उसमें लच्छा क्वाइल बन करके आता है। जैसे कि इसके अंदर देखेंगे, ये जो एक क्वाइल इसकी बड़े वाले में गई हुई है, और एक क्वाइल इसकी छोटे वाले में गई, मतलब एक ही क्वाइल बड़े वाले में और छोटे वाले में गई, तो इस तरह से जो वाइंडिंग होती है वो लच्छे क्वाइल से यानी लंबी बनाई जाती है क्वाइलें, और एक क्वाइल के अंदर जैसे किट की मोटर है तो पहले छोटे वाले में 2 बार घुमाया जाता है, और बड़े वाले में 3 बार इसको मतलब घुमाया जाता है लच्छा क्वाइल बना करके। तो इसकी टर्ने कैसे नोट की जाती है दोस्तों, देखिए, अगर आपकी मतलब सिंगल क्वाइल बनी हुई है तो आपको सबसे पहले तो इसको निकालना होगा, एक एक करके स्टार्टिंग की क्वाइल निकालेंगे पहले, और निकालना इस तरह से ताकि आपकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की सफाई से निकल जाए, ठीक है। देखिए, पहले हमने स्टार्टिंग की क्वाइल को निकाला है, और देखिए स्टार्टिंग में होता है क्या कि पिच इसकी मतलब 1 से 4 होती है। देखिए, पहले मैं पिच बता देता हूँ आपको, तो इसकी पिच है 1 से 4 और 1 से 6, ठीक है। और इसकी टर्ने अब देखना है अगर आपको, तो टर्नों को आपको यहाँ पे इसको मतलब यहाँ से
फोर लेना है इसको अच्छे से। ये छोटी वाली कॉयल है आपकी और ये बड़ी वाली है। वैसे ये लच्छा कॉयल है, इसका आप एक ही चेक कर लेंगे, एक ही को मतलब टर्ने गिनती कर लेंगे एक ही कॉयल की, तो आपको पूरे का निकल जाएगा। एक में आपको एक बार घुमाना है स्टार्टिंग में और बाकी में आपको तीन बार घुमाना है। देख सकते हैं तीनों कॉयलें आपकी अलग अलग हैं, यानी कि ये जो लच्छा आपने घुमाया था पूरा का पूरा तीनों अलग अलग है। तो एक को एक ही को आपको गिनती करना है, आपको पता चल जाएगी कि इसके अंदर कितनी टर्ने डली हुई थी। ठीक है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग में है। आपको जब डायल नोट करते हैं, डाटा नोट करते हैं, तो आपको एल्युमिनियम भी लिख देना कि एल्युमिनियम की मोटर है ये। और इसी तरह से आपको स्टार्टिंग के निकालने के बाद में आपको रनिंग का भी कॉइल को आपको इसी तरह से निकाल लेना है। और रनिंग की कॉइल जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर भी आपको पिच आपको नोट करना है। पिच आपको रनिंग की भी आपको वही निकलेगी कि चार एक का मतलब सेट है। सॉरी ये गलती हो गया मेरे, पहले मुझे स्टार्टिंग का नोट करना था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का हम यहाँ नोट कर देंगे एक से चार और एक से छः, और रनिंग का भी आपका एक से चार एक से छः है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम गलती होगी तो कोई बात नहीं है, सबसे हो जाती है। तो इसका भी ऐसे ही आपको फोड़ लेना है। और इसका आपको एक कॉइल जैसे आपका इसका निकाले थे एक कॉइल, ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें से भी निकाल लेना है। ये भी आपको बहुत आराम से निकल जाएगा, देख सकते हैं इसमें से हमारा ये मतलब ये देखिए, इधर वाले में तीन बार घुमाया हुआ है, देखिए कितना मोटा है, और ये पहले वाले में दो बार घुमाया है। ठीक है, इसमें से दो बार निकाल देंगे, निकल जाएगा यहाँ से फाड़ करके निकल जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से देखिए ये ऐसे निकल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, ये निकल गया, तो इसको फोड़ करके हम मतलब इसको गिनती कर लेंगे, हमारा ये डेटा निकल जाएगा कितना कितना है। और वैसे आप देखेंगे तो आप जब नोट करेंगे डाटे को, तो आप जिस जो इसका मतलब रनिंग का जो मतलब तार निकलेगा गिनती करने के बाद में, तो यहाँ पर आप उसका डबल लिख दीजिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 75 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ गिनती करके। दोस्तों टर्नों को गिनती करने के लिए आपको इस तरह से अपने तारों को फोड़ लेना है, मतलब खुला खुला कर लेना है, उसके बाद आपको गिनना है 1, 2, 3, 4, 99, 100। ठीक है, तो ये रनिंग की कॉइल में हमारे 100 टर्ने निकली हैं। तो पहले वाले में दो बार जाती है, दूसरे वाले में तीन बार, तो यानी कि पहले वाले में हमारी 200 टर्ने हो जाएंगी, यहाँ पर लिख देंगे हम 200, और तीसरे वाले में हमारी हो जाएगी 300। ठीक है, आप चाहें तो वैसे अगर छोटा फर्मा है आपके पास तो वैसे भी बना करके इनमें 200 टर्ने और 300 टर्ने डाल सकते हैं। बाकी इसमें हम यहाँ लिख देंगे लच्छा है, लच्छा कॉयल। ठीक है, और इसमें भी इधर भी लच्छा कॉयल रहेगा। तो इसी तरह से आपको स्टार्टिंग के भी टर्नों को गिनती कर लेना है तारों को फोड़ करके। यहाँ पर ऐसे फोड़ लेंगे इसको, तारों को हमें गिनती कर लेना है 100। स्टार्टिंग के अंदर भी 100 टर्ने हैं, कोई बात नहीं, तार पतली होती है। तो 100 टर्ने आपकी स्टार्टिंग के अंदर निकली हैं। यहाँ पे हमसे एक गलती और हो गई कि हमने तार के नंबर के आगे हमने ये टर्ने लिख दिया है। खैर कोई बात नहीं, इसको हम काट देंगे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे काट देंगे, और यहाँ पे हम टर्ने लिख देंगे 200, ठीक है, और 300। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हम टर्ने लिख देंगे, इसमें हमारी 100 टर्ने आएंगे, क्योंकि एक ही बार इसके अंदर आते हैं लच्छे कॉइल से, और इसके अंदर हमारे 300 टर्ने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी टर्ने हो गई। कनेक्शन दोस्तों इसके अंदर सीरीज होगा, यानी कि 1 से 3, ठीक है, सीरीज। ठीक है, और कैपेसिटर इसके अंदर लगेगा 5 MFD का। और ये कैपेसिटर दोस्तों जब निकलता है तो आप उसी टाइम आप नोट कर लीजिए जब आपके मोटर के अंदर से निकलेगा तो। ठीक है, 5 MFD का कैपेसिटर लगेगा। तार का वजन कितना आएगा जब आप कॉइल बनाते हैं उस टाइम आप तार का वजन नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर से जैसे आप तार काटते हैं तो ये कॉइल एक एक सिंगल कॉइल को आप नापेंगे तो आपको चारों तारों का आपको वजन निकल जाएगा कितना कितना ग्राम आएगा। वैसे मैं एल्युमिनियम की वाइंडिंग का जो वजन है वो करता नहीं हूँ, वैसे ज़्यादा इतनी इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग जो करते हैं उनके पास तार ऑलरेडी पहले से कुछ ज़्यादा मात्रा में रहती है, जो कि ताकि उनको कम ना पड़े, ज़्यादा ही पड़ जाए कोई बात नहीं, 150 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कॉपर की मोटर में 50 ग्राम ऊपर नीचे होता है, एल्युमिनियम की मोटर में इतना ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हमने टर्ने नोट कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है तो इसके अंदर तार कितने नंबर का लगा हुआ है तो उसको भी हमें देखना है। तो तार का गेज आपको चेक करने के लिए आपके पास अगर माइक्रोमीटर नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसको जहाँ पे तार लेने जाते हैं वहाँ पे आप उनसे चेक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइंडर हैं तो आपको माइक्रोमीटर अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। तो मेरे पास माइक्रोमीटर है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसका तार का जो गेज है वो क्या है, कितने नंबर की तार आखिर इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की कॉइल की तार है और ये रनिंग का है, तो इसको हम नापते हैं माइक्रोमीटर के गेज से हमें नोट करना होता है। और ये हमारे पास माइक्रोमीटर है 0.25 का, मोंटी JPN का है ये, और ये बहुत अच्छा मतलब साइज़ बताता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये एक लाइन इसमें पहले से ही ऊपर बताता है ये, ठीक है, तो इसको हम पहले ही हमें नोट करना रहता है। तो हमें पहले स्टार्टिंग की हमने तार लिया है, इसको हमने देखे कितने हमें आ गया इतना,
इसका माइक्रोम, इसका माइक्रोम आ रहा है दोस्तों 30 नहीं आया, यानी कि 35 आ रहा है। इसका माइक्रोम है 35, ठीक है, इसका 35 है। और रनिंग की कॉइल का माइक्रोम कितना है, रनिंग की कॉइल का अगर देखेंगे तो इसका है 41, तो यानी कि उसका 35 आ रहा है तो यानी कि उसमें 34 होगा और इसका 40 है, तो 34-40 पे कितना कितना नंबर तार आएगा। मोटे वाली है हमारी, तो 34 हमारा माइक्रोम है इंसुलेशन वाली, जैसे कि वार्निश करे हुए तार की साइज़, तो इस तरफ है, तो 34 कहाँ पे आ रहा है देखेंगे हम, एक तो हमारा आ रहा है 41 आ रहा है, देखिए ये 41 आ रहा है, तो 41 के आगे हमारा ऐसे देख करके देखेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 नंबर तार, ठीक है। और आपका 30 आ रहा है, 40 से लेकर उसके बाद आया 35, तो 35 वाले के आगे आएगा आपका ये 30 नंबर तार, ठीक है, तो 30 और 28 का इसमें तार लगा हुआ है, यानी 28 नंबर तार लगेगा आपका रनिंग के अंदर, ठीक है, और 30 नंबर तार लगेगा आपका स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, इस तरह से 30 नंबर तार लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अगर डाटा नोट करेंगे अपनी मोटर का तो आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। ये तरीका है दोस्तों आपकी मोटर की वाइंडिंग का डाटा नोट करने का। और अगर आप इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लीजिए, आप दोबारा से नोट कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इसके अंदर हमने हमारा जो इसमें जो निकला है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आउटर डाया 126 mm था, हैं, इनर डाया इसका 75 mm था, स्लॉट इसके 24 हैं, स्टैंपिंग का लेंथ 212 mm है, और रनिंग की कॉइल के जो पिच हैं 1 से 4 हैं, 1 से 6 हैं, लच्छा कॉइल इसमें डलेगी रनिंग स्टार्टिंग दोनों में, तार का नंबर रनिंग के अंदर 28 नंबर डल रहा है, और टर्ने 200 हैं और 300 हैं दूसरी में, 1 से 4 पिच, 1 से 6 पिच में, ठीक है। इसी तरह से स्टार्टिंग की अगर पिच देखेंगे तो स्टार्टिंग के पिच के अंदर दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 इसकी पिच है, और तार का नंबर इसके अंदर 30 होगा, टर्ने होंगे 100 और 300, ठीक है, यानी कि पहले वाले में एक बार घूमेगा 100 टर्ने और दूसरे वाले में 300 टर्ने हो जाएंगे 3 बार घुमाने के बाद में। कनेक्शन दोस्तों इसका सीरीज रहेगा, 1 से 3 जो कनेक्शन करते हैं, वजन इसका जो भी आए आप नोट कर लीजिएगा, और कैपेसिटर का साइज़ जो है वो 5 mFd का कैपेसिटर इसके अंदर लगाना होगा, ठीक है। कूलर का ये फराटे है, ये किट में भी लगाई जाती थी स्टैंपिंग, ये फराटे के अंदर अभी लगी हुई है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे आने वाली अगली और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।